युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी ललित यादव को आईपीएल 13 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया है और वह दुबई में होने वाले अपने आईपीएल डेब्यू के लिए तैयार हैं। ललित नजफगढ़ के हैं जहां से भारत के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग आते हैं और इसी तरह प्रदीप सांगवान जो अंडर 19 इंडिया के लिए खेले हैं वो भी वहीं के हैं। ललित इन दोनों को फॉलो करना चाहते हैं जबकि उनके पसंदीदा कप्तान MS धोनी हैं और ऐसे में NNIS स्पोर्ट्स को एक विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि वह दिल्ली कैपिटल्स द्वारा चुने जाने पर रोमांचित थे क्योंकि वह अपनी 3 दर्जी टीम के साथियों ईशांत शिखर और ऋषभ के साथ खेलेंगे। एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, मतलब लास्ट 2 सालों से जैसे ऑक्शन में मेरा नाम चल रहा है और इस साल मैंने अच्छा किया है कंसिस्टेंटली, तो मैं सोच रहा था कि मेरा होगा अब की बार, और दिल्ली ने मेरे को पिक किया तो बड़ा अच्छा लगा। अपनी होम सिटी है और जैसे अपने रणजी टीम के 3 प्लेयर के साथ खेलना अलग ही माहौल होता है, ईशान भी आ, शिखर भी आ और पंत। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इन सबसे मेरे को बहुत सीखने को मिलेगा, इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना ही बहुत बड़ी बात है और साथ खेलने से मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। वापस आके वहाँ पे मैं अपने आप को एज अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्लेयर बन गया हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है। हाँ, काफ़ी हद तक हाँ, क्योंकि जो IPL में अच्छा करता है वो इंडिया ए और किसी टूर पे मतलब उसका नाम आ जाता है, तो लाइक कंसिस्टेंटली जो अच्छा करता है, जो एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है वो लाइमलाइट हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि ये किसी के करियर में हाईलाइट होने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है IPL। बचपन से ही जैसे अपने मैं विलेज से आता हूँ तो यहाँ पे हम लोग जैसे जो हमारे यहाँ नजफगढ़ से जो कोई भी निकला है, जैसे वीरू भी हैं, सांगी भी है, सांगी भी आकर मतलब खेलते हुए देखा है 19 वर्ल्ड कप, फिर इंडिया ये सब चीज़ें रेगुलरली खेल रहे थे, IPL खेले, इनफैक्ट 5 टीमों से खेले, तो शुरू से मैंने उन्हें देखा है। फिर मैंने जैसे जैसे खेलता गया तो MSD का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। स्पेसिफिक ऐसा तो कुछ नहीं है, बट नेचुरली मेरा बैट स्विंग अच्छा है और नेचुरली मेरे को ऐसा लगता है मेरे में एबिलिटी है छक्के मारने की, तो बस वो दोनों मेरे दिन थे तो मैंने उनको काउंट किया, जाने नहीं दिया। क्रिकेट मैं 2007 से खेल रहा हूँ, तो मैंने एक छोटे से क्लब में एज अ समर वेकेशन में कैंप लगता है, समर कैंप, तो वहाँ से खेलना स्टार्ट किया था। उसके बाद से खेलता रहा, ठीक है, फैमिली भी इस तरीके से सोच रही थी कि हाँ ठीक है, कि ज़्यादा मतलब करियर की एस्पेक्ट से नहीं, एज अ हॉबी और कि भाई लड़का फिट रहेगा। फिर खेलते खेलते एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि वहाँ पे मेरे को एक चीज़ चूज़ करनी थी, या तो स्टडीज़ या फिर करियर, तो मैंने करियर में इसको चुना, क्रिकेट को, क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं औरों से यूनिक हूँ, डिफरेंट हूँ, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। उससे पहले कभी मतलब जैसे 100 भी नहीं बनाया था, तो वो टूर्नामेंट पहले बार मतलब प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेला तो अच्छा लगा, मतलब खेलता गया, 100 लग गया तो बहुत अच्छा लगा। टर्निंग पॉइंट तो नहीं कह सकते, बट एज अ गुड मेमोरीज मेरे लिए है वो, कि मेरा पहला 100 वही था, उसके बाद मैंने 60 और बनाए अब तक, तो पहला हरदम स्पेशल होता है, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उस दिन 2 ओवर में कुछ 36 रन चाहिए थे और मैं और पवन नेगी खेल रहे थे, तो मेरे को लगा हाँ ठीक है देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, तो उस ओवर में मैंने 3 छक्के मारे और 1 चौका मारा, 1 डबल या 1 डॉट थी, तो ऐसा कुछ तो नहीं था कि मैं प्लान करके खेल रहा था, बट बस उस मोमेंट पे ये देख रहा था कि बॉल को देखना है और मारना है, बॉलर को नहीं, बॉल को देखना है सिर्फ।